Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 2 अगस्त के इतिहास पे जी. What happened on this day? Why this date is important? Let's move on and let's look upon to the events of 2nd अगस्त. क्यों है ये दिन important? तो सबसे पहले इवेंट की अगर हम बात करें तो 1790 was the year when the first time population was calculated in United States of America. An important day क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उसका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 2 अगस्त के ही दिन पहली बार 1790 में अमेरिका में जनगणना की गई थी. आगे बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट की. सो वी हैव द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स मूव फॉरवर्ड इंडियाज गवर्नमेंट पर्टिकुलरली यस क्योंकि 2 अगस्त को ही 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है तो जनरल स्टडीज के पॉलिटी सेशन में ये डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एक्चुअली The Government of India Act. चलिए लेकिन फिर भी अगर ब्रीफ में बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंडिया पे एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेट करता है. आगे मूव करेंगे आपके FYI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन बैंक की तरफ, बिकॉज ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर डे 2nd of August नो सच ग्रेट पर्सनैलिटीज वॉज बॉर्न और डाइड जिनका नाम यहाँ पे इंक्लूड किया जाए. तो FYI क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर प्रिपरेशन. Which of the following was not one of the book which were illustrated during Akbar's time? निम्नलिखित में से कौन सी किताब अकबर के समय नहीं लिखी गई थी? रामायण, महाभारत, काली दमन या जफरनामा? So which book was not one of the book which was illustrated in Akbar's time? So definitely the answer would be option number B, Mahabharata. Let's move on to the next question. Which of the following visited India during the reign of Devraya II? निम्नलिखित में से किसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोर्टे बर्बोसा, एंथोनियासा, निकिटीन. सो इफ वी टॉक अबाउट द राइट आंसर सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रजाक. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द चोला किंग हु कॉन्क्वर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर वॉज. किस चोल राजा ने उत्तरी श्रीलंका को विजित करके अपने राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराजा, राजेंद्र वन, अधिजारेंद्र या प्रतांका वन? तो अगर हम बात करें यहां आंसर की तो यस, द चोला किंग जिसने श्रीलंका कॉन्कर किया था, पूरा नहीं पर उत्तरी श्रीलंका द नॉर्दर्न पार्ट, वॉज राजराजा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महावीरास डेथ टुक प्लेस? निम्नलिखित स्थानों में से किसमें महावीर की मृत्यु हुई थी? कुशीनारा, वैशाली, राजगृह या पावा? So yes, this is an interesting question and you all must be knowing the answer. That is option number D, Pava. Let's proceed further with the next question. Which one of the following Vedic texts is the source of Indian music? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ भारतीय संगीत का स्रोत है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या ऋग संहिता? सो अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिक की तो इंडियन म्यूजिक का सोर्स वैदिक टेक्स्ट कौन सा है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सामवेद. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. In India, the first biosphere reserve, Nilgiri Biosphere Reserve, came into being in. भारत में पहला जैव मंडल रिजर्व, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, कब अस्तित्व में आया? 1980, 1984, 1985 या 1986? तो definitely the right answer would be option number D, 1986. Let's proceed further with the next question. Which one among the following relates to land revenue policy introduced by English East India Company? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल पिट्स इंडिया एक्ट दूसरा ऑप्शन, महलवारी सेटलमेंट या सब्सिडरी अलायंस? तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंट्रोडक्शन की, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किस तरीके का लैंड रेवेन्यू पॉलिसी? सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, महलवारी सेटलमेंट. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट इन द अटलांटिक ओशन? निम्न में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? गल्फ स्ट्रीम, पेरू स्ट्रीम, पेरू करंट, बंगुआ करंट या ब्राजील करंट? सो अगर हम बात करें यहाँ पे कोल्ड करंट अटलांटिक ओशन का, सो दैट इज बंगुआ करंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स प्रोसीड फॉर द विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या सदर्न ओशन? सो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर. लेट्स प्रोसीड फॉर द विद द लास्ट क्वेश्चन.
In which one of the following locations the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER project has been built? अंतर्राष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रोजेक्ट प्रायोजिक रिएक्टर ITER परियोजना निम्न में से किस स्थान पर बनाई गई है? सदर्न इटली, ईस्टर्न जर्मनी, सदर्न फ्रांस या नॉर्दर्न स्पेन? सो डेफिनेटली द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सदर्न फ्रांस या दक्षिणी फ्रांस। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी आंसर के साथ लेट्स एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें एंड न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोज। महिंद्रा गुरु के चैनल पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।